नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल चेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं MI 11i या फिर Xiaomi के हाइपर चार्ज की, जिसमें आपको MIUI 13 का अपडेट मिल चुका है, साथ में एंड्रॉइड 12 भी ये लेकर आता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं 13.0.3.0 का आपको अपडेट मिल जाता है MIUI का, और इसका साइज 3.1 GB है। जी हाँ दोस्तों, मासिव साइज है ये, तो ऑब्वियसली आपको फीचर्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो आप यहां पर डिटेल्स देख सकते हैं कि सिस्टम में क्या क्या डिटेल्स हुआ है, जो कि आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जून का, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट, और साथ में बहुत सारा फीचर्स और इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। यहां पर तो कम बताया गया दोस्तों, एक एक फीचर्स आपको डिटेल में बताएंगे, सारा इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरे अनुसार दोस्तों, जो इसका सबसे खतरनाक फीचर है वो है इसका कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने कॉल ऐप में जाना होगा, और कॉल ऐप में आप जैसे ही जाएंगे, आप यहाँ पे थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग के सेटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको फिर से इनेबल मिल जाता है, बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अगर डिसेबल है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग आपका शुरू हो जाएगा। मगर दोस्तों, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग तो शुरू हो जाएगा, मगर क्या गूगल वाली आंटी जो है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी दोस्तों, क्योंकि आपको गूगल कहीं डायलर देखने को मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, मगर वो जो आवाज है जो कॉल रिकॉर्डिंग करते समय आपको भी सुनाई देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है, वो तो 100% सुनाई देगा ही देगा। मगर आप चाहते हैं कि वो कॉल रिकॉर्डिंग का आवाज नहीं सुनाई दे, तो आप हमारे एक वायरल वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, जहां मैंने बताया है कि कैसे उस आवाज को आप डिसेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, चाहे आपके पास किसी भी ब्रांड का मोबाइल क्यों ना हो। तो जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड होगा, तो योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाला आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देगा, ना आपको सुनाई देगा ना सामने वाले को सुनाई देगा, और इस तरह से सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले ही आपके पास गूगल का डायलर ही क्यों ना हो। अब भैया दोस्तों, सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं अबाउट फोन में आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको MIUI 13 का आपको लोगो देखने को मिल जाता है, 13.0.3.0 जो कि मैंने आपको बताया, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि आपको एंड्रॉइड 12 का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी मल्टीपल टैप करेंगे, और आप जानते हैं कि जब आप इसको 12 बजाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो एंड्रॉइड 12 का जो एनिमेशन है वो निकल कर आएगा, और ये 12 बज चुका है, और देखिए एंड्रॉइड 12 का एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्ट्राइकिंग फीचर की तरफ, जो बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा आपको देख के। बस आपको ऊपर से नीचे राइट से स्वाइप करना है, कंट्रोल सेंटर में आना है, और ये देखिए कंट्रोल सेंटर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला आपको कंट्रोल सेंटर मिल गया है। पुराना वाला आपको कंट्रोल सेंटर देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें आपको ब्राइटनेस का बार और म्यूजिक का बार बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा, वाईफाई मोबाइल डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, और बाकी जितने भी टॉगल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बस आपको राइट स्वाइप करना है। मगर आप जानते हैं लेफ्ट स्वाइप करेंगे, ज्यादा स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये फीचर अभी भी दिया गया है, नोटिफिकेशन चाहे तो आप लेफ्ट से कर सकते हैं, और राइट स्वाइप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि नया वाला कंट्रोल सेंटर है। वैसे कंट्रोल सेंटर को आप देखते कहां है दोस्तों, आपको पता है सेटिंग्स में जाना होता है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर आएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल को आप यहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं। पुराना वाला कंट्रोल सेंटर चाहिए तो आपको ओल्ड वर्जन चुनना होगा, नया वाला तो आपके पास है ही। और इसी में एक नया फीचर आपको देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर के ठीक नीचे, एडिशनल कार्ड्स का, जिसमें आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है MI स्मार्ट प्ले का। तो आप यहां पर देख सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं ऑडियो प्लेबैक को अक्रॉस डिवाइसेस, अगर आप इस स्मार्ट प्ले को इनेबल किए हुए हैं, और साथ में आपको स्मार्ट होम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है एज यूजुअल, जो पहले मिलता था। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नए फीचर की तरफ। तो हम लोग जैसे ही लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे वेलकम टू ऐप वॉल्ट, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें भी मॉडिफिकेशन मिला है आपको, तभी आपको ये स्क्रीन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको एग्री कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि नए तरह का आपको विजेट्स मिल जाता है आपके ऐप वॉल्ट में, और अगर विजेट्स को आप मूव करना चाहते हैं तो बस आपको उसको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और जहां भी मूव करना है वहां पे मूव कर सकते हैं, और प्लस बटन आपको मिल जाता है ऐड विजिट के लिए, गॉट इट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं काम करता है कि नहीं। तो इस विजेट को हम लोग देखिए प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, और देखिए कहीं भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ऐप वॉल्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको विजेट देखने को मिल जाता है, और प्लस साइन की बात हो रही थी तो देखिए ये प्लस साइन है, बस इसको आपको प्लस करना है, और नए नए विजेट को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। बस जो भी विजेट आपको ऐड करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये विजेट ऐड करना है बस इसको ऐड कर दीजिए, और देखिए ऑटोमेटिकली यहां आकर बैठ जाता है। दोस्तों एंड्रॉइड 12 में लुक एंड फील काफी चेंज किया गया, अगर आप सेटिंग्स में आएंगे तो आप यहां पर आप देख सकते हैं लोगो जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पहले के मुकाबले आप देखेंगे काफी अट्रैक्टिव लोगो है, इनफैक्ट आप MI कहीं लोगो देखे तो कितना चेंज हो गया है, काफी डार्क कलर में आ गया है। और आप यहां पर जरूर सोच रहे होंगे दोस्तों कि एंड्रॉइड 12 है तो कलर पैलेट आपको इसमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है दोस्तों। कैसे देखेंगे? तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वॉलपेपर में जाना होगा, तो वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको थीम्स भी देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। तो वॉलपेपर के लिए आपको प्रोफाइल में जाना होता है, और प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, रीडिजाइन कर दिया गया है। तो इसमें ऑब्वियसली आप वॉलपेपर में जाएंगे, और एग्जांपल के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये वॉलपेपर, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे,
लेंगे, अप्लाई कर देंगे, सेट बोथ कर देंगे। इसमें दोस्तों आपको कलर पैलेट चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मगर ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज कलर, येलो कलर काफी डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि आप मानकर चल सकते हैं कि कलर पैलेट में ऑरेंज और येलो का डोमिनेंस होगा। और कलर पैलेट देखेंगे कहाँ दोस्तों, तो वो आपको सिस्टम ऐप में ही देखने को मिलेगा। जैसे कॉल में आप देख सकते हैं अभी ब्लू आ रहा था, अभी आप देख सकते हैं ऑरेंज, डीप ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन में आपको कलर पैलेट देखने को मिल जाता है। ये सब कलर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मैसेज में जाएंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर पैलेट आपको देखने को मिल जाता है। अब एग्जांपल के लिए आप देखना चाहते हैं वाकई ये काम कर रहा है या फिर लग रहा है कि काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप फिर से वॉलपेपर में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, वॉलपेपर्स में जाएंगे और ये रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि रेड होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ऑब्वियसली कलर पैलेट काम कर रहा है। वैसे तो काम कर ही रहा है दोस्तों, मगर एक और मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। कॉल में जाएंगे और अब देखिए ये रेड हो जाता है, यानी कि ये पर्पल वायलेट कलर में आ जाता है। मैसेज भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि चेंज हुआ है, ऑरेंज से आप देख सकते हैं पर्पल वायलेट कलर में ही आ गया है। अब बढ़ते हैं MIUI 13 के बहुत ही भयानक फीचर की तरफ, साइड बार जो कि आपको मिलता है सेटिंग्स में। इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाता है और इसी में जो पहला ऑप्शन है वो साइड बार का है। साइड बार को आपको यहां से इनेबल करना होता है दोस्तों। जैसे ही इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर लेफ्ट में आपको एक साइड बार आ जाता है, जिसको आप इनवोक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी एप्स हैं वो यहां पर आ जाते हैं और जो भी ऐप आप खोलना चाहें खोल सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो में ये खोलेगा। फ्लोटिंग विंडो का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं दोस्तों, कहीं भी इसको आप मूव कर सकते हैं। रिसाइज करना चाहते हैं तो यहां से पकड़ के रिसाइज कर लीजिए। आपको लगता है अभी इस काम को जरूरत नहीं है तो इसको लीजिए और यहां पर इसको बैठा दीजिए, यहां बैठा रहेगा। यहां पर आप काम करते रहे वहां बैठा रहेगा। और साइड बार में आप देख सकते हैं वीडियो ऐप में आपको वीडियो टूल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो में सेलेक्ट किया हुआ है, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में। तो ऑब्वियसली अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वीडियो टूल्स भी देखने को मिल जाएगा। और यहां पर लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहां पर आप साइड बार नहीं खोलेगा दोस्तों, यहां पर वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे वीडियो टूल बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, प्ले साउंड कर सकते हैं विदाउट स्क्रीन। अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो चला रहे हैं और अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं तो आपका वीडियो तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, मगर साउंड आप सुनते रहेंगे। साथ में आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाता है, जो कि फिल्टर से दोस्तों आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो टूल बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं साइड बार में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक फीचर की तरफ। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी ऐप में जाना होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है। इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेम टर्बो में आपको जितने भी गेम्स हैं लेफ्ट में मिल जाते हैं। ऐसे आपको अब स्क्रॉल करना होता है। बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको दिया गया, मजा आ जाएगा ऐसा करने में। और सेंटर में वो गेम का प्रीव्यू आ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर आप स्टार्ट प्लेइंग करेंगे तो ये गेम खुलेगा। तो चलिए स्टार्ट प्लेइंग कर ही देते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों आपको गेम टर्बो कैसे लाना है, तो आपको यहाँ लेफ्ट से ऐसे करना है और देखिए गेम टर्बो आ जाता है। और इसमें आपको बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर मिल जाता है बूस्ट का, बस इसको आपको क्लिक कर देना और देखिए ये बूस्ट करना शुरू कर देता है। करंट में आप देख सकते हैं 55 FPS पे आप खेल सकते थे, ऑब्वियसली 60 FPS सपोर्ट करता है, मगर आप यहाँ देख सकते हैं 116, 123 यानी 120 FPS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है जब आप बूस्ट करते हैं तो। और इसमें भी सोने पे सुहागा क्या है दोस्तों कि परफॉर्मेंस मोड को यहाँ से जैसे ही आप इनेबल करते हैं तो आप देखते हैं ये और बढ़ने लगता है और ये काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा, बिल्कुल भी लैग फ्री गेमिंग का एक्सपीरियंस देगा। जरा सा भी आपको ग्लिचेस देखने को नहीं मिलेगा और मक्खन की तरह आप गेम खेल पाएंगे। और बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्लियर मेमोरी और फ्री स्टोरेज भी मिल जाता है, DND स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके बगल में आपको अगेन साइड बार देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो आप यहाँ खोल सकते हैं और ये अगेन आपका पॉपअप विंडो में ही खुलेगा। वापस से गेम टर्बो को लाना चाहते हैं तो बस ऐसे करना है, देखिए गेम टर्बो आ जाता है। और गेम टर्बो में आपको पहले की तरह वॉइस चेंजर भी देखने को मिलता है, जिसको आप ओरिजिनल गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन की आवाज में कर सकते हैं। तो चलिए गर्ल की आवाज में करते हैं या वुमेन की आवाज में करते हैं। 10 सेकंड का प्रीव्यू मिलता है, चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप आवाज को चेंज करना चाहते हैं ताकि आपके दर्शक जो है, ऑडियंस जो है, ऐसा आवाज, मजेदार आवाज सुन सके, तो आप यहाँ पर वॉइस चेंजर को यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों MIUI 13 जो है Android 12 के साथ आता है, तो Android 12 का जितना ही फीचर है वो सारा देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर अपने इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी के सिचुएशन में कोई भी उसको देख सके, नोटिफिकेशन से ओपन कर सके। जिसमें इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप इमरजेंसी SOS भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लोकेशन सर्विस यानी कि ऑफलाइन होने पे,
या फिर लॉक होने पे आपके किसी भी एक कॉन्टेक्ट को लोकेशन मिल जाए लाइव, ताकि वो आपके इमरजेंसी में हेल्प कर सके। ड्राइविंग करते समय आप नोटिफिकेशन को साइलेंस करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप इसमें दे देंगे, ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी उसको कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपका इन्फॉर्मेशन आपका लोकेशन उसको मिल जाएगा और वो आपके लिए इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए आपका मदद कर सकता है। अब एंड्रॉइड 12 का एक और बहुत ही खतरनाक फीचर देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको कैमरा में जाना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का डॉट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइवेसी का आपको इंडिकेटर है। ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप नीचे करेंगे तो आप देखेंगे ये कैमरा आइकॉन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ कैमरा यूज कर रहे हैं, फोटो है मोड है। इसलिए जैसे ही आप स्विच करते हैं वीडियो पे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैमरा के साथ साथ माइक्रोफोन भी अब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैमरा भी आ गया, माइक्रोफोन भी आ गया, बस इसको आपको यहाँ से टैप कर देना है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिलता है सेंसिटिव एक्शन को लेकर, यानी कि आपका अगर सेंसिटिव परमिशन को यूज कर रहा है, जैसे इस केस में कैमरा और माइक्रोफोन है जो कि कैमरा ऐप के द्वारा यूज हो रहा है, तो वो आपको क्लियरली बताया जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ऐप परमिशन में आप चले जाते हैं और अलाउड क्या क्या है दोस्तों कैमरा ऐप को, तो कैमरा है, फाइल मीडिया है, लोकेशन है, माइक्रोफोन है, नियर बाई डिवाइसेज है। आप चाहते हैं कि फाइल एंड मीडिया ये यूज ना करे, तो बस इसको आपको टैप कर देना है, डोंट अलाउ कर देना है, डोंट अलाउ कर देना है, और देखिए यहाँ से ये गायब होकर नॉट अलाउड में आ जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक परमिशन को चेक करना होगा दोस्तों एक एक ऐप के लिए, ताकि कोई भी ऐप गलत तरीके से आपके सेंसिटिव परमिशन को यूज ना कर रहा हो। और अगर प्राइवेसी डैशबोर्ड आप पूरी तरह से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे प्राइवेसी में जाना होगा, और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड प्राइवेसी डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको लोड करेगा पहले, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने भी सेंसिटिव परमिशन है, जैसे लोकेशन हुआ, कैमरा हुआ, माइक्रोफोन हुआ, अप फ्रंट यहाँ पर आपको तीनों देखने को मिल जाता है। मगर आप सारा परमिशन देखना चाहते हैं तो सी अदर परमिशन में जाएंगे और सारा का सारा परमिशन यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके जितने भी सेंसिटिव परमिशन है, उसको कौन कौन ऐप ने यूज किया है। और अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कौन कौन सा ऐप इस परमिशन को यूज करता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपका जीमेल जो है वो इस परमिशन को यूज ना करे, तो डोंट अलाउ कर दीजिए, डोंट अलाउ एनीवे कर दीजिए, और आप देख सकते हैं बैक जाएंगे तो गूगल जो है वो नीचे आ जाएगा नॉट अलाउड में। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से सिस्टम ऐप ने यूज किया है, तो यहाँ थ्री डॉट्स के मेनू में जाकर शो सिस्टम कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि सिस्टम ऐप भी यहाँ पर आ जाता है जो जो आपके सेंसिटिव परमिशन को यूज करता है। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे माइक्रोफोन एक्सेस है, जिसको अगर आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो कोई भी आपके मोबाइल में ऐप माइक्रोफोन को आपको यूज नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट कैमरा भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब देखिए कैमरा मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये बोलेगा कि अलाउ कैमरा टू एक्सेस फोटो मीडिया फाइल इन योर सिस्टम। आप अलाउ करेंगे तभी ये करेगा, वरना नहीं करेगा। और ये तो परमिशन की बात हुई दोस्तों। जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको बताएगा कि आपका माइक्रोफोन जो है वो ब्लॉक्ड है, उसको अनब्लॉक करेंगे तभी ये रिकॉर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ से भी आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से अनब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि यहाँ भी अनब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कैमरा में दोस्तों एक नया फीचर आपको मिला है मोर में, जिसके डॉक्यूमेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेटा प्राइवेसी का। ये करता क्या है दोस्तों, तो ये वाटरमार्क दे देता है आपके डॉक्यूमेंट में, ताकि कोई भी उसको अनऑथराइज्ड रूप से कॉपी ना कर सके। और वो टेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, जो भी आप देना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैजिकल चेक गुरु, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो अब दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट में आप वाटरमार्क देना चाहते हैं, जैसे मैंने मैजिकल टेक लिखा है, तो यहाँ पर वाटरमार्क आ सकता है और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं उस वाटरमार्क को। अब चलते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको नोट्स ऐप में जाना होगा, और जैसे ही आप नोट्स ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, जो प्लस साइन पर टच करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब अपने नोट्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और प्रेस करते हुए रिलीज करेंगे तो वो क्रिएट करेगा, और स्लाइड अप कर देंगे तो वो कैंसिल कर देगा। और जैसे ही मैंने छोड़ा, देखिए यहाँ पे एक वॉइस नोट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और इस प्लस बटन का एक और खासियत है, आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे क्रिएट अ माइंड मैप, यानी आप क्रिएट अ माइंड मैप भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो ऑप्शन पहले आपको MIUI 12.5 में देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों आपके गैलरी ऐप में भी एक बहुत बढ़िया फीचर आपको देखने को मिल जाता है, अब आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी आप ऐसे करेंगे दो उंगली से स्क्वीज करेंगे तो जितना भी फोटो है वो सारा छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे जूम आउट करेंगे वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। ये आपके गैलरी ऐप में भी मिल जाता है MIUI 13 के साथ। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, ऑलवेज ऑन में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ऑलवेज ऑन जो है अगर आप ऑन भी कर देते हैं तो 10 सेकंड के लिए आफ्टर टैप ये इनेबल होता है, ये हमेशा के लिए अभी भी नहीं हो रहा है। मगर अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के इनेबल हो जाएगा दोस्तों, तो MI 11 आई के आप सेटिंग्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप हमेशा के लिए अपने ऑलवेज ऑन को अपने मोबाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं, अगर आप कराना चाहते हैं तो, जिसका लिंक ऑब्वियसली आपको ऊपर आई में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ दोस्तों। तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद सबसे नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, इसमें एक्सेसिबिलिटी में आएंगे, और
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप करेंगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को इनेबल करना होगा, अलाउ करना होगा, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप जेस्चर मोड यूज कर रहे हो तो आपको जेस्चर मोड का एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, जिसमें नीचे से दो उंगली से आपको ऊपर स्वाइप करना होता है। किसी भी कारण से दोस्तों वो MI 11i में नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। इसमें एडिशनल सेटिंग्स में अगर एक्सेसिबिलिटी मेनू में मैं जाता हूं और यहां से एक्सेसिबिलिटी मेनू को मैं इनेबल करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अलाउ करने बोलता है और ये बताता है यूज जेस्चर टू ओपन। इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं, कुछ डिवाइस में हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा है, यानी ये अपडेट अभी कुछ डिवाइस में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है, जैसे मेरे में नहीं आया। अगर आप में आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आप में ये फीचर जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहां से ओके कर देना है और एक्सेसिबिलिटी मेनू लाने के लिए नीचे से दो उंगली से आपको ऐसे स्वाइप करना, देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू आ जाता है। और इसी तरह से अगर इस डिवाइस में आपको लाना हो तो आपको इस बटन का यूज करना है, इस बटन को आप टच करेंगे देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू आ जाता है। थोड़ा वियर्ड है दोस्तों, मगर ऐसा ही है, MIUI में आप जानते ही है बग तो होता ही है, तो कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, बस यही डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको Xiaomi 11i के इतने सारे MIUI 13 के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे? अगर अच्छा लगे तो आप जानते हैं कि आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है तमाम दोस्तों के साथ। इनकेस कोई फीचर या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं मिस कर गया हूं दोस्तों जो कि एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 में इस मोबाइल में आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपके इस मदद से हमारे अदर सब्सक्राइबर्स को भी हेल्प हो सके। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही है दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।